इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मौर्य फन एंड स्टडी पिक्चर्स पर। दोस्तों, आजकल हर देश अपनी मिलिट्री के लिए मिलिट्री रोबोट तैयार कर रहा है, जिससे वह अपने सोल्जर को बिना नुकसान पहुंचाए दुश्मन को खत्म कर सके। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही कमाल के अनमैंड आर्मी रोबोट दिखाने वाले हैं, जो कई देशों ने बनाए हैं, और इनमें हम आपको भारत द्वारा बनाया गया एक रिमोट कंट्रोल मिलिट्री रोबोट भी दिखाएंगे। पर इससे पहले इस वीडियो को 10,000 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिए। आइए अब मिलते हैं इन मॉडर्न रोबोट से। पेश है आपके सामने मट यानी मल्टी यूटिलिटी प्रैक्टिकल ट्रांसपोर्ट, और ये अनमैन्ड मिलिट्री रोबोट है जिसे यूएस की मरीन कॉर्प्स यूज करती है। मट रोबोट में एक मिनी गन इंस्टॉल्ड है, जिसके वजह से यह अपनी यूनिट को कवर फायर देकर उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। मट का बेसिक यूज दुश्मन के इलाके में सोल्जर को ले जाना है। इस रोबोट पर सोल्जर अपना भारी सामान रख कर ईजिली आगे बढ़ सकता है, और इसकी सबसे मजे की बात यह है कि कोई भी इसे रिमोट के जरिए ऑपरेट कर सकता है। मट जमीन और पानी दोनों पर चलाया जा सकता है, जिसकी वजह से यह और भी खास बन जाता है। मिलिए रैम्बो से, जो सच में एक ऐसा मिलिट्री रोबोट है जिससे डर कर दुश्मन भागना शुरू कर देंगे। देखने में यह एक मिनी टैंक की तरह लगता है, पर इसमें आपको एक ऑटोमेटिक गन मिलती है, जिसे रिमोट के जरिए ऑपरेट करा जा सकता है। ये एनमन वालकिल 1 टन तक का वजन उठा सकता है। अब चाहे सोल्जर अपना सामान इसमें रख दे, या फिर किसी घायल सोल्जर को किसी सेफ जगह ले जाना हो, रैम्बो हमेशा तैयार है। इसकी बैटरी 50 किलोमीटर तक का बैकअप देती है, वहीं इसका डीजल इंजन 150 किलोमीटर तक सोल्जर का साथ दे सकता है। यह है मिलरस थीमस, जो बेहद पावरफुल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस एक अनमैन्ड मिलिट्री व्हीकल है। यह व्हीकल रिमोट के जरिए ऑपरेट करा जा सकता है, और इसे वाइड वैरायटी ऑफ मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कम्पैक्ट इवैक्यूएशन स्पिंग जैसे मिशन। इस व्हीकल में आपको इंफ्रारेड, थर्मल और एचडीआर कैमरा मिलते हैं, जिससे आप अंधेरे में भी आसानी से इस व्हीकल के थ्रू देख पाएंगे। और इसमें एक ऐसा वेपन सिस्टम दिया गया है जिसमें जीवाश्म मिसाइल भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक ऑटोमेटिक फायरिंग सिस्टम भी दिया गया है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर बिल्कुल भी शोर नहीं करता, जिसकी वजह से दुश्मन के एरिया में बिना पता चले पहुंच जा सकता है। दोस्तों, यह है DRDO के रिसर्च विंग द्वारा बनाया गया दक्ष वॉरियर मिलिट्री रोबोट, जो भारत के कुछ अनमैन मिलिट्री व्हीकल्स में से एक है। इसमें एक ऑटोमेटिक गन मिलती है, जिसे रिमोट के जरिए ऑपरेट कराया जा सकता है। दक्ष वॉरियर के अलावा भारत में दक्ष आरोही को भी बनाया है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट बम को डिफ्यूज करना है। भारत कई अनमैन्ड ड्रोन व्हीकल भी टेस्ट कर रहा है, और इनमें से एक UGV है, मंत्रा, जिसे भारत ने बनाया है। इस UGV में इलेक्ट्रिक ऑप्टिक सेंसर फ्यूजन कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे एडवांस फीचर दिए गए हैं। मंत्रा का मेन ऑब्जेक्ट दुश्मन के इलाकों में निगरानी रखना और माइंस का पता लगाना है। चलिए आज के इस लिस्ट के कमाल के UGV से, जिसे अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया है और इसका नाम हंटर वुल है। इस अनमैन इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेसिकली मिलिट्री कंपैक्ट और पेलोड कैरी करने के लिए ही खास तौर पर बनाया गया है। यह UGV एक बार में 450 किलो का पेलोड कर सकता है, और इसके साथ ही इसमें 3 मशीन गन इंस्टॉल की जा सकती हैं।
जो इसे बेहद डेंजरस बना देती हैं। इसमें भी आपको इंफ्रारेड और थर्मल कैमरा मिलते हैं, साथ ही में इसके टायर इतने कमाल के हैं कि यह पानी और जमीन गड्ढे या ऊबड़ खाबड़ जमीन हर जगह आसानी से चलाई जा सकती है। दोस्तों, ये थी कुछ कमाल के मिलिट्री रोबोट्स और अनमैन्ड व्हीकल जो आजकल हर मिलिट्री तैयार कर रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आपको आगे भी ऐसी ही कमाल की वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल मौर्य फन एंड स्टडी पिक्चर्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।